हम ना WWE देखते थे, जो लास्ट में लिखते हैं ना, डू नॉट ट्राई दिस एट होम, सिर्फ उसकी वजह से लोग ट्राई करते हैं। इससे बहुत पिटा हूं मैं, बहुत ज्यादा। I've never said I love you to my mother. मैं मम्मी बोला मम्मी I love you. अच्छा और सुना, ठीक है? लड़ाई हुई है तेरी? लड़ाई हुई है? कॉलेज में इसके सिवाय I don't think मेरा कोई best friend था. He would listen to you, make you feel like you are the center of the world. बस यार बस. Family problems जो होती है ना, बहुत under talked चीजें हैं on the internet. When you're not okay, that's also not okay. I mean you deserve better. जब मिलेनियल्स यंग थे, हमको बूमर्स बोलते थे, आजकल के बच्चे. जब हम थोड़े बड़े हुए हैं मिलेनियल्स, हम जेंजीज को देखकर बोलते हैं आजकल के बच्चे. बिकॉज आजकल के जो बच्चे हैं वो काफ़ी सही काम कर रहे हैं. और ऐसे दो जो बच्चे नहीं नौजवान हुए हैं, उनको देखकर मुझे काफ़ी इंस्पिरेशन भी मिलती है. आई रियली एन्जॉय द कॉन्टेंट एंड आई फाइंड दम रियली वार्म एंड सेंसिटिव एज वेल. ऐसे दो बच्चे और नौजवान हमारे साथ आज हैं, द कौशल ब्रदर्स, गोविंद एंड विष्णु कौशल. थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर तालियां मार, ऐड द साउंड इफेक्ट प्लीज. कर लो, यही मार कर दो. थैंक यू सो मच. आई एम सो हैप्पी टू हैव बोथ ऑफ यू हियर. यू आर द यंगेस्ट पीपल ऑन दिस चैट शो एंड फॉर अ रीजन. मुझे तुम दोनों बहुत ही मजेदार लगते हो. एंड एज आई सेड, देयर इज अ सर्टेन क्यूटनेस and sensitivity that I also see. First of all, I just say this, that I'm like super grateful that you know you thought of us to be a part of this show. Because when you told me the lineup, I'm like, भाई ठीक जगह फोन मिलाया इन्होंने, क्या होगी गलती तो नहीं होगी कहीं पे. हम वीडियोस बनाते हैं इंटरनेट पे, but super grateful for that and really happy to be here. I will ask you a lot more questions on this. We have a section called unboxing boyhood. Oh chakko. तो एक बक्सा है जहाँ पर कुछ पटारा चाइल्डहुड की मेमोरीज हैं. और बताओ क्या क्या यहाँ पर, देयर इज अ लॉट ऑफ आइटम्स दैट कहीं ना कहीं शायद तुम्हारे चाइल्डहुड में. पोकेमोन कार्ड्स हमारे पास, लाइक एक बक्सा भी क्या, इतना बड़ा बॉक्स था. इसे डबल लगा लो, उसमें सिर्फ कार्ड्स थे, सिर्फ पोकेमोन. हम सिर्फ ट्रम्प कार्ड्स एंड पोकेमोन. आई थिंक हमारी एज के सारे बच्चे रिलेट करते होंगे इससे. तो क्योंकि ना हम ना, हमारा 2-3 बजे हम घर आते थे स्कूल से, और फिर ना हमने जल्दी से पागलों की तरह होमवर्क करते थे 5 बजे तक. 5 बजे पोकेमोन आता था. 5 बजे हम दोनों सब कुछ छोड़ छड़ा के ऐसे चौंकड़ी मार के, हमारा एक लाइक वी हैड अ वन रूम, लाइक 4 of us, मदर फादर हम दोनों, हम एक रूम में रहते थे, ठीक है? तो एक ही टीवी था, गिट्ठू सा, ठीक है? वो भी दूर लगा हुआ था. एक तो ना मेरे घर वाले, इतना सा टीवी है वो भी दूर लगा रखा है कि बच्चों की नजर ना खराब हो. लगा रखा टीवी और हम दोनों बैठ जाते थे चौकड़ी मार के ऐसे करके बेड पे. बट दैट्स ऑल, लाइक हम दोनों like when I say we've grown up together, we've done everything together. मतलब हर चीज हमने साथ में ही करी. तो हमारे इंटरेस्ट सेम है, लाइकिंग सेम है. I would say 50% of his personality is me. Like मैंने बहुत लिया इसकी पर्सनालिटी से. Like all younger siblings do, I feel. And but yeah, interest. The good part, I like the trauma you take. Brother, you keep the trauma. I don't want it. हाँ यार, ये तो है कि younger siblings को इतनी responsibility लेनी पड़ती first of all. And that's the best part. He's शुरू से he's been on the extroverted side of his. I've been like very shy and you know introverted. ये basically. और तो अब यार को introvert, मतलब introvert तो क्या यार, बचपन में introvert extrovert नहीं होता. बचपन में होता है भोला है और ये थोड़ा बकचोद, ठीक है? यही होता है. बट तुम फंसे हो कभी विष्णु की हरकत में? फंसे बैक एंड फोर्थ चलता था honestly. But on, नहीं, आई विल टेक दिस. भाई क्यों भाई, मैंने तेरा हाथ तोड़ दिया था. मैंने बोला कि भाई इसका आपने आप टूटा है. मैंने दीवार पे कलर कर दिया. मैंने कहा भाई इक्वली बांट लेते हैं, कम डाउन पिटेगी. और मैं मान भी जाता था. मान भी जाता, बहुत बोला है यार ये, बहुत बोला है. और मान भी जाता था. और अभी भी बेचारा बोल रहा है नहीं बैक एंड फोर्थ होता. ये मतलब मुझे भी याद आ रहा था कि मैंने भी तुझे, हाँ वैसे ऐसा नहीं हुआ कभी. हाँ मुझे भी याद आ रहा था. ओह शिट, नहीं हुआ ऐसा कभी. ये मेरा भाई तो बहुत ही मतलब उल्टा था यार. मेरा तो ये था कि पूरा मेरा लेता था वो. आपका बड़ा भाई छोटा भाई? छोटा भाई. तो मेरा छोटा भाई मेरे मतलब ही यूज्ड टू मेक श्योर कि मैं फंसूं. कि ही वाज लिटिल, देख ले, बी ग्रेटफुल. और बताओ और कुछ है इसमें दैट यू फाइंड दैट यू हैव एनी मेमोरीज? इसके अंदर कुछ फोटोज भी हैं इसके अंदर. ज्योमेट्री में शायद. ओह यार दिस इज सो क्यूट. वाओ, ये इसके फेयरवेल की 10th है. ये मेरे 10th की फेयरवेल की है. ये मेरे, हाँ ये दोनों मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हैं, अभी भी बेस्ट फ्रेंड्स हैं. वी हैव बीन बेस्ट फ्रेंड्स सिंस सेकंड. जतिन आई मेट इन सेकंड क्लास, सिद्धार्थ आई मेट इन
Like we were best friends in sixth class. So us tab se hum best friends. Like we've like literally done everything together. College, school. मतलब हमने सब तीनों ने तीनों के breakups देखे हैं. तीनों ने तीनों को रोते हुए देखा. तीनों ने तीनों को miserably मेरे को नहीं देखा वैसे उन्होंने because I'm just that cool. We went back. मैं cool बन रहा हूँ. जब भी हम मिलते हैं हमारे बार सोचते हैं भाई वी आर सो ग्रेटफुल दैट वी हैव ईच अदर लाइक इट्स ऑलमोस्ट लाइक अब ना बिकॉज अब नाउ वी आर मैच्योरिंग और हमको समझ आ रहा है कि दुनिया कैसे होती है लोगों के दोस्त नहीं होते यार लाइक आई डिड नॉट नो दैट एंड इन द सेंस दैट आई डोंट कॉल आउट करने की कोई जरूरत नहीं है भाई ऐसा नहीं चलेगा लोगों के दोस्त नहीं होते हैं यार बट जनरली मीन लाइक दोस्त होते हैं बट लाइक ऐसे नहीं होते ना कि लाइक घर में कोई बीमार है या फिर घर में कुछ लाइक सम यू नो घर की कोई प्रॉब्लम हो रही है अब घर की प्रॉब्लम तो इतनी वल्नरेबल होती है ना बिकॉज योर फैमिली इज द क्लोजेस्ट थिंग टू यू इट्स नॉट इजी टू शेयर इट विद एनीवन आउटसाइड योर फैमिली लाइक इससे भी ज्यादा इंटेंसली मैंने फील किया बिकॉज जो भी फैमिली की प्रॉब्लम्स थी वो 80% फिल्टर होकर मेरे पास आती थी एंड लाइक आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर दैट बट ऑल्सो यू नो हैव हिम यू नो बी इन दैट प्रोसेस ऑफ मी ग्रोइंग अप एंड यू नो हैविंग टू डील विद दोज प्रॉब्लम्स एंड लर्निंग फ्रॉम देम आज भी कोई भी प्रॉब्लम आती है सो लाइक आई इमीडिएटली गो टू हिम कि ये भाई ये है कि ये एप्लीकेशन कैसे भरनी है बता दे तो लाइक कि आज इसको डिजी यात्रा कराया मैंने डिजी यात्रा नहीं यूज करना आता भाई इसको लाइक एज अ ब्रदर लाइक मेरे को तो एज अ पापा फीलिंग आती है ना कि भाई मेरे को डांट आती है देयर इज ऑब्वियसली भाई तो रहा है व्हिच इज वेरी स्वीट बट तुम्हारे कौन से दोस्त थे तुम्हारा क्या सीन इसका जो बॉन्ड है इसके फ्रेंड्स का दैट इज मोर स्ट्रॉन्गर आई फील मेरे जो बेस्ट फ्रेंड्स है मैं कॉलेज तक उनसे इतना अटैच नहीं था जितना मैं अबू कॉलेज में लाइक विद द फैमिली प्रॉब्लम्स एंड एवरीथिंग आई वॉज वेरी अवे फ्रॉम ऑल ऑफ माई सोशल सर्कल नाउ दैट आई एम ग्रोइंग अप एंड यू नो तो अब आई फील कि और स्ट्रॉन्गर है मेरा बॉन्ड उनसे बट या कॉलेज में इसके सिवाय आई डोंट थिंक मेरा कोई बेस्ट फ्रेंड था तुझे मुझे एक चीज बता कि विष्णु का तो बहुत मुझे ना इवन व्हेन आई वाज लुकिंग फॉर इट आई फाउंड लॉट्स ऑफ पिक्चर्स ने व्लॉग्स किए हैं अपनी जिंदगी और में लिखा है बताया है वगैरह वगैरह तुम्हें तो कुछ मैं मतलब मैं तुम्हारे बिल्कुल बिगनिंग तक गया इंस्टाग्राम के वहां पर मीम्स दिखे मुझे मतलब कोई एक्सप्रेशन नहीं दिखा यार मीम्स ही तुम्हारे एक्सप्रेशन यू सॉ मीम्स ही सीज इट एज कोपिंग मैकेनिज्म तेरा आउटलेट क्या है कि फॉर हिम वल्नरेबिलिटी ऑनलाइन डालकर ही इज जर्नलिंग ही इज फिगरिंग आउट हिमसेल्फ तुम कैसे फिगर आउट करते हो अपने आप को थोड़ा फ्रेंड्स विष्णु एंड लाइक माय अदर फ्रेंड्स आई हैव माय गर्लफ्रेंड वो वी You know, been together since like. This is the first time he's admitting he has a girlfriend on the internet, guys. This is a viral moment. Sorry, I'm so sorry. So admit करने वाला. I feel he like we've been together since like बचपन से. तो बचपन से. हाँ, like. Oh no, guys! This we are getting cancelled. So like we met eighth class. Eighth class. Eighth class. So like वो तो बचपन ही हो गया ना. And you started going out कब? Twelfth. 16 साल के थे basically. 17. 8 साल हो गए. Wow. I think he also takes that from our mother. Okay. Is that he would preempt what could happen and based on which he acts right now. And like he takes a lot of caution. Hmm. While this me, I'm very like, ki dekhi jayegi types kya hoega. You know, even when I disclosed my relationship on the internet. Hmm. उस टाइम बिकॉज मैं भी मेरे यंग प्यार में ऐसा होता है ना कि ब्रो आई एम लाइक इन लव which is great, which is something my elder brother should have done, but don't have, I should have done myself, but he does. Vicky Kaushal is not your elder brother. I have never answered that question, you know. I have never, people ask me all the time, is Vicky Kaushal your brother? And I will never answer him. I will let him answer one day. Sorry, to, you were saying that you were not, you think of him, kabhi-kabhi ye bade bhai wali baatein karte the. Haan, ye, matlab, he is very like, mature and sensible. तुम पिटे हो बचपन में
बहुत लोगों ने पीटा मुझे। अरे मेरा मतलब यार मेरे को लगा मम्मी पापा से बात कर रहे हो, बट हाँ इससे बहुत पीटा हुआ है, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। एक बार ना हम बहुत ज्यादा हम ना बस हम ना WWE देखते थे, ठीक है, और ना मैं बताऊं जो लास्ट में लिखते हैं ना डू नॉट ट्राई दिस एट होम, सिर्फ उसकी वजह से लोग ट्राई करते हैं। एनीवे ठीक है, तो मैंने इसको एक बार स्मैक मारा, स्मैक नहीं मारा, ये लेटा हुआ था बेड पे, स्मैक कर देना, गद्दे लिए थे स्प्रिंग वाले हमने पहली बार, हमारे घर में अच्छे गद्दे आए थे महंगे वाले, ठीक है, 8th 7th 6th 7th की बात है। तो मैंने ऊपर से 5-star फ्रॉक स्प्लैश मारी, फॉर पीपल हु आर कल्चर्ड दे वुड नो व्हाट 5-star फ्रॉक स्प्लैश इज, रॉब वैन डैम का फिनिशिंग मूव था, मैंने मारी। अब मेरे पता नहीं क्या, मेरे को समझ नहीं आया कि मैं बड़ा हो गया हूँ या मेरा भी शरीर भी बड़ा हो रहा है, ये भी। उसने हाथ ऐसे रख लिया पता नहीं क्यों, उसका हाथ पूरा ऐसे मुड़ गया, पूरा जंप कर मेरे ऊपर, और फिर मुझे इतना बुरा लगा, इतना बुरा। उस दिन के बाद से आई डोंट थिंक मैंने कभी हमने WWE खेली ऐसे, वो बहुत बुरा लगा था यार, दैट्स द फर्स्ट टाइम आई लाइक हर्ट हिम फिजिकली, कि इसको डॉक्टर के पास जाना पड़ा। तूने कभी रिवेंज नहीं लिया? मैं भी मारता था इसके, लाइक हम खेलते थे ऐसे, चोक स्लैम मारा इसने मेरे को अच्छे से, इसने मेरे को वो मारा है अंडरटेकर वाला सर पे, मैं हल्का था ना यार बचपन से, मैं बहुत मेरी बॉडी में वैसे ही हूँ बचपन से, पतला ही हूँ पता नहीं क्यों, ठीक है, बहुत कोशिश करी मैं। अब चकने वाले सारे उठाने वाले ये मार देता था, सारे गिरने वाले मैं मारता था, समझ रहे हो? तो there is equal distribution. I am turning out to be an evil person here. I'm not. ऐसे ही स्मैक डाल दिए, हाथों तोड़ दिया, ऐसे ऐसे हाथों तोड़ दिया। ये भी अच्छी मेमोरी है हमारी, आई थिंक दिस वाज आवर प्रॉपर फर्स्ट टाइम बाहर जाके शूट करना फॉर अ यूट्यूब वीडियो। इट वाज अ ग्रॉस वीडियो यार, ये मेरा थर्ड भाई है ऋषभ, तो कजन है। व्हाट दिस रिमाइंड्स मी ऑफ पर्सनली इज दैट वी हैड अ लॉट गोइंग ऑन इन टर्म्स ऑफ इन आवर फैमिलीज, ठीक है, इन जॉइंट फैमिलीज इन जनरल ना, आई फील लाइक फैमिली प्रॉब्लम्स जो होती है ना बहुत अंडर टॉक्ड चीजें हैं ऑन द इंटरनेट। आई फील लाइक पीपल टॉक अबाउट मेंटल हेल्थ, दे डोंट टॉक अबाउट कि मेंटल हेल्थ का कारण क्या है, यू नो, फैमिली प्रॉब्लम्स प्लस मनी प्रॉब्लम्स फक यू अप लाइक नथिंग एल्स, यू नो, दे जस्ट चेंज यू एज अ पर्सन, यू हैव टू ग्रो अप बिफोर योर टाइम, एंड आई फील लाइक That's a lot to ask from a child. So around this time we were dealing with that, and this is us also holding on to our childhood and being like, you know, have fun, let's make videos, you know, let's do this the thing that we love, but also like dealing with shit ghar pe, and three of us and then come out make videos. This was sort of an escape for us. Yeah. Hum tino ke liye, we just do shit on camera and have fun. And kahin par dalni nahi humne video. You know, like we weren't posting those videos. We were just making and having fun. You know, it was an escape. Like content in itself was just an escape for us. We would just be ourselves. We could have fun. We could smile, laugh. So, yeah. This is that. So let's talk a little. Ab tumne do teen baar. नहीं यार ऐसे स्किप कर सकते, स्किम ओवर कर सकते, मजाक कर रहा हूं। तीन चार बार तूने बोल भी दिया है कि फैमिली प्रॉब्लम्स, क्या व्हाट वाज गोइंग ऑन व्हेन यू वर ग्रोइंग अप, हाउ डिड दैट अफेक्ट यू, हाउ हैज दैट शेप्ड यू इनटू हु यू आर एज बॉयज? विदाउट गोइंग इनटू टू मच डिटेल्स आई विल जस्ट टेल यू लाइक, सो ग्रोइंग अप वी कम फ्रॉम लाइक अ प्रॉपर गुड मिडिल क्लास फैमिली, लाइक वी डिड नॉट हैव financial troubles or any like family troubles or any of this stuff bachpan mein, theek hai, and right around 6th 5th 6th standard and everything, like things started to change a little, but we really got to know the effects of it when I was in 10th or like 6th when I was 16 and stuff like that, and that's when I just for various reasons figured out that I have to now grow up, I have to like, you know, let go of the bachpana and I have to like be there for my family, I need to be the man of the family. Wow, that is a plug, guys. that was that, and fir uske baad na I feel like I wrote a piece also on the internet that for all the kids who grew up before their time, I feel you. And just this, like I just wrote this, and like there were so many people, so many kids, because I have no idea what it's like to be in college and party. I have no idea. I was in a college, but I never, because you know there was so much stress, ghar pe. And I don't want to make it about that stress, and I don't want to sound like a victim because I've never seen myself or any one of us like that. I mean, we had a problem, we're dealing with it, and all of that stuff. But when you see your father crying, and when you see your
mother crying. And when you see that at a very young age, and not from a point of, you know, that you've had a fight, you cry it out and you go. No, it was more deep. It was more like of helplessness. You know, when the people you look up to, they are helpless. Mm. When the people who are supposed to protect you are helpless, feel helpless, and they can't do anything about it, right? And that's when I felt like, you know, I had to take sort of step up. And he didn't actually just feel about things. He actually went out there, worked, and, you know, jitna bhi tha, he could. And I feel not, ye bahut artistic hai, bahut achha kaam kar rahe hai, I know that. But his biggest strength, I feel, is, you know, pushing himself out of the mud and, you know, and then going to work. I feel usse main sabse zyada inspired hua abhi tak. And, you know, that's something I carry with me that I have of him. So, yeah. There were a lot of times where there's a lot of shit happening at home, but I had to make funny videos, you know. So, no matter what, I mean, and it's quite a fucked up thing when I think about it. But at the same time, the duality of it is also something I feel like also gave me strength. I haven't made up my mind on, you know, what it was, what it, probably therapy is for that. But I feel like the act of like separating myself and doing the thing that needed to be done to be in a better spot, to help my family and all of those things, I feel, yeah. But like to anyone who's watching, if your family is, you know, going through shit and if there's debt involved specifically, I know how shitty things can be. And yeah, things get better. Vishnu, thank you for sharing this. I know it couldn't have been easy जो तुम यहाँ बता रहे हो, और मुझे पता भी है कि ना ऐसे बहुत इंडिया के अंदर लड़के हैं जिन्हें अनफॉर्चुनेटली समय से पहले शायद बड़ा होना पड़ा, क्योंकि यू नो फैमिली सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस वगैरह वगैरह. व्हाट मेड यू थिंक दैट तुझे करना पड़ेगा अभी? It wasn't a choice. I mean, ऐसा है ना कि जैसे if someone throws you in a pond, you have to swim. Right, you can drown or swim. It was literally that. You know, you just do the best next thing you can. It's just that. It's there's nothing profound about it. It's just like, what can I do right now to change the situation? Anything, like change one thing around me. Could be literally like, I'll make my room today. I'll make sure that my bed is clean and everything is clean, so that, you know, I have that start to do the next thing, you know. I feel at least confident enough, because I always had this inferiority complex in every social gathering. And I still do. Like whenever I go, like I get invited to these galas now, and I just don't know how to operate in those, because I've never seen that kind of energy growing up. So at that point, I just wanted to make sure whatever I do at least contributes to where I want to be. I did 3 internships. Kisi ka stipend, ek do to free thi. एक दो में 1000 स्टाइपेंड था, 1500 स्टाइपेंड जो भी था, बट दैट आई फील लाइक ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द हाउस इन व्हाटएवर कैपेसिटी एंड टू मी इम्प्रूविंग माई स्किल्स. फर्स्ट टाइम लाइक मेरे को कुछ आता नहीं था, बट फिर भी मैंने फाइवर और ये सारे जो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स थे ना, मैंने हर जगह डाल दिया भाई, कुछ भी करा लो. किसी को कुछ कॉपी लिखवानी है, इंग्लिश आती है, लिख लूंगा. मतलब आई ट्राइड व्हाट आई कुड, फेल्ड और सक्सीडेड, दैट्स लाइक आई मीन आई वुडंट कैटेगराइज it as that, but for me it was an act of courage to put myself out there and to talk to an American for the first time and understand what that person wanted, you know. Because, you know, think about it, like I come from Panchkula, okay, gora dekha bhi nahi humne, ab gore se baat karna, I'm like, yeah I understand what you mean. Maine bola mereko $5 chahiye, mere usne ha bol diya, main kar raha hu $5 de raha hai mere ko. मुझे फिल्टर होके आती थी, बट ऑल्सो आई वॉज इन द कन्वर्सेशन, तो मुझे पता था. तो without even him or our parents saying ki yaar ha tu bhi kar, obviously nobody says that, but I remember mere first year of college mein I started writing on these websites only to, matlab main apna kharcha nikal lunga, I don't want to ask for money for anything, mujhe college jana hai, mujhe bas utna fare apne liye rakhna hai. And I feel hamare puri country mein as a man
हमारी कंट्री में एवरी गाय फील्स दैट यार हाँ अब कुछ करना चाहिए अब निकलना चाहिए. I mean, you don't have a choice because you get labeled as a failure much sooner, which is for some it's great, like you know, ki bhai 20-21 saal tak tumko figure out karni hai, but that's a very small amount of population, and I feel like it's that is sad. That hurts me. Just like it just hurts to think that there are people who have to just figure shit out. Mm-hmm. There is no choice. There's just no choice. Mm-hmm. How is your mental health at this time? जब ये सब कुछ करना पड़ रहा था. Well, I say it's great. My therapist disagrees. उस टाइम पे उस टाइम पे I feel like never thought about it, never had the time to sit and overthink, because you know ऐसा होता है ना, like when you're in adversity, you're in fight and flight, right? You do stuff, you get out, you don't have the time to sit. Hey, namaste. What do you feel today, Vishnu? Iska time nahi hota. So, you know, you go through a lot of stuff. But just because you do that doesn't mean that it doesn't affect you years later. And I feel like now that I have the comfort to sit and not work today. If I don't want to work today, I don't work today. Yeah. But then I have to face my thoughts, you know? Like a comedian, I saw a video of a comedian. Wo kehta hai, bhai, I forgot my earphones today and I went out. I do not like my thoughts. that's me right now. So, yeah, I mean, I'm dealing with a lot that I went at that time. You know, a lot of anxiety. You know, I could just suppress that anxiety. A lot of sadness, being able to emote at that point of time. I could not. Mm. It's not that I did not have the people to emote to or all of that. Mm. But I just did not have the time to. I couldn't. It's just some, like I think I've cried twice. I can remember very clearly in the 5-6 years I've cried, where I've cried and how I've cried, and I can almost see myself as a third person in that situation. But now when I look back, I wish I saw him as, you know, someone who just killed it. That's really beautiful, man. I'm glad that you're taking therapy. Do you remember anything particular, specific, jahan par you could be there for your brother? Yeah, I think the सबसे ज़्यादा support तो मैं I think सिर्फ बात करके कर सकता था इनसे, and you know at that time इनसे कब से बोलने लग गया तू मेरे को पैंट इनसे से मेरा मतलब से and मम्मी पापा से and plural कर दिया तूने एकदम से. I appreciate that. So yeah, I could just talk to him, hear what he has to say. I think that is the biggest support I gave him. उस टाइम पे आई थिंक ही इज अंडरसेलिंग हिमसेल्फ आल्सो, बट आई नो ही इज नॉट दैट गुड विद बीइंग एबल टू टेल एग्जैक्टली इन वर्ड्स हाउ ही फील्स एंड ऐसा, बट ही वुड लिसन टू यू लाइक एंड मेक यू फील लाइक यू आर द सेंटर ऑफ द वर्ल्ड एंड ऑल योर प्रॉब्लम्स आर वैलिड, एंड दैट्स आई कांट डू दैट. आई नीड टू रिस्पॉन्ड, यू नो, एंड दिस इज व्हाट आई एम लर्निंग अभी, बट लाइक he can do that, this comes naturally to him, you know, he can bas yaar bas bire tu hun main na sidhe wo gal na kari to baat hai theek hai udhar ho ja but teri idhar mein achhi baatein kar raha hai tu sunna nahi chahta theek hai, you know this is how, you know, as brothers you can't compliment each other too much. But yeah, yaar, I feel like yahi tha for him. He also, like when I was out, I knew Govind ghar pe hai, and that is also saying something, because I knew like he would be there and make sure everything is okay if I'm outside, and vice versa. Like we have that bond, like when he's out I know, you know, he knows that I'm home. Yeah. And if something happens, you know, there's some problem that comes our way, I'm there. Like, you know, I don't want to get too specific with these things, but this was the dynamic, and we worked as a team. Yeah. Because I wouldn't have done it by myself. I would have just like fallen apart, and I got really lucky with that. Tum logon ka parents ke saath, you know, over the years kya relationship raha hai with your father and mother? I feel like especially when you go through adversities as a family, it makes you so much stronger, and my mother is the most affectionate person you'll ever meet. Like she does not hold back, you know. Yeah. No, you don't get it, she doesn't, like agar tum ghar par aaye ho na
जब बाय द टाइम यू गो आउट तुम्हारे हाथ में 500 का नोट कम से कम होगा एंड देन लड्डूज और ये सब लाइक शगन साथ में देखे और फिर मैं पहली बार आया बच्चा हाय कितना पतला हो गया हाय लाइक शी विल मेक श्योर यू आर द लाइक शी विल फॉरगेट अस सो शी इज अ वेरी अफेक्शनेट पर्सन लाइक शी लव्स बीइंग शी लव्स द फैक्ट दैट शी कैन शेयर दैट चारों लोग हम ऐसे हैं लाइक वी रियली लुक आउट फॉर ईच अदर एंड वी रियली केयर फॉर ईच अदर एंड थ्रू अ लॉट ऑफ शिट अ लॉट ऑफ थिंग्स हैपन बट लाइक वी आर लाइक वेरी स्ट्रांग वी डोंट वोकलाइज इट एज मच इन द सेंस दैट आई हैव नेवर सेड आई लव यू टू माय मदर या व्हाट या आई डोंट से आई लव यू मॉम नो इट्स अ वेरी अर्बन कॉन्सेप्ट हम ना ऐसे नहीं बोलते कि मम्मी आई लव यू बोलने का ठीक है Like she wouldn't take it like I love you like how you would take I love you. ठीक है you have to know your audience. सबकी language अलग होती है. Like she if I'm going through something if I'm sad I'll just go hug her and just like lie down with her like just like be curled up kind of thing. Just simple things like these yeah. Like this is enough for her to like if I call I'm calling her 5 times knowing that she's thinking of me and if I'm okay if I've eaten and all those things that's how she knows that I love her. Right? अगर मैं उनको I love you बोलूँगा like she like बेस्ती कर देंगे बेस्ती क्यों मैं मम्मी बोलूं मम्मी आई लव यू अच्छा होर सुना ठीक है हां तेनु होया कि आज तेनु होया कि ठीक है तू आज दीक्षा नाल गल नहीं कीती तू हैं लड़ाई हुई है तेरी लड़ाई हुई है और पापा के साथ क्या रिलेशनशिप है सिमिलर ही है यार आई मीन ही इज अ लिटिल मोर रिजर्वड व्हेन इट कम्स टू बट ही इज वल्नरेबल इन टर्म्स ऑफ लाइक शेयरिंग व्हाट्स गोइंग ऑन इन हिज लाइफ एंड बट ही इज सैक्रिफाइस अ लॉट and he's gone through a lot but yeah the relationship in itself is very you know die for you kind of thing and I think that's with most people and I hope it's for most people like that in their family so yeah papa bolte hain I love you yaar I love you bahut foreign concept hai tum mere ghar mein aao main mazak nahi kar raha yaar like my mother wakes up at 5 am if I have a flight to catch at 6 am yeah. she would wake up 30 minutes even before me. If my alarm is at 5 a.m., she would wake up at 4:30. Just so I have my chai. ये बोलने से हो ही नहीं सकता. I love you is a very small word to even describe this form of love. तो या करी जा पे. या. नहीं सही है. ये मुझे अभी hit हो रही है बातें. As you guys are, यार ऐसे क्यों करती है मम्मी यार? ज़्यादा हो रहा है. तो पापा के कुछ बता दे पापा के दिखाते प्यार पापा का ऐसा है कि लाइक व्हेन आई एम पैकिंग मैंने बाहर जाना है सो बोथ ऑफ देम दे चेक आउट यार अच्छा डाल लिया ना इसने सब कुछ है जाते हुए उस दिन वीजा एप्लीकेशन के लिए जा रहा था मैं और मी बिंग मी मैंने अपना पासपोर्ट नहीं उठाया तो पापा ने ले लिया ना पासपोर्ट मैं कहा पासपोर्ट कौन हाँ पासपोर्ट जरूरी होगा हम वीजा एप्लीकेशन इंटरनेशनल ओह नाउ इट मेक्स सेंस तो लाइक ये छोटी छोटी चीजें होती है सो ही रियली डज लुक आफ्टर ईच एंड एवरीवन ऑफ अस हैव यू एवर स्पोकन टू योर फादर एंड ट्राई टू आई डोंट नो गिव हिम दैट स्पेस टू एक्सप्रेस कभी डेफिनेटली एंड ही इज रिजेक्टेड अरे पापा सुनो मैं कह रहा हूँ पापा मैं भी थेरेपी ले रहा हूँ आप भी थेरेपी लो सबको थेरेपी जरूरत है बहुत गलत चीज नहीं है हाँ ठीक है चलो आई वॉन्ट टू ask you that ki jab tumhe paise contribute karna was there a moment where you really felt proud of yourself about ki yaar aaj mujhe lagta hai ki main na ghar ko I have been able to you know give back to my father to my mother we did it together actually and there was kab ki baat hai fairly recently yaar fairly recent I think ek saal pehle ki and I feel like this इतना होता है like because when you hold anxiety for a long time you start thinking of that anxiety as normal if that makes sense there's this weird feeling around your chest and when you carry it for a long time you think that that's how you live you know that's normal life you know and you're not supposed to live like that you're supposed to be free and happy and all those things that people say but when I did that I feel like you know this moment of that I've jaise na jaise most wanted mein nfs mein checkpoints nahi aate the ki iske piche to nahi ja sakte ab hai na yahan pe to pahunch hi gaye ho hai na jaise game save ho jati hai na jab assassin's creed mein the game references are crazy mai ha
कि इससे पीछे नहीं जा सकते हो. सो इट वाज दैट, लाइक इट वाज दिस सेंस ऑफ कि ब्रो आई हैव कम दिस, लाइक दिस इज अ चेक पॉइंट फॉर मी. सो इट वाज दैट. दैट्स ब्यूटीफुल. ऐसे लाइक बोथ ऑफ अस आर प्रोवाइडिंग फॉर द फैमिली नाउ, तो लाइक ऐसे कोई मोमेंट नहीं होता मेरे लिए तो स्पेसिफिकली कि यार हां मैं बहुत मस्त कर रहा हूं, बहुत सही कर रहा हूं. बट या व्हेन यू पे अ बिल, व्हेन यू पे अ मेजर बिल, दैट इज द मोमेंट आई फील कि यार हां कुछ लाइक सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट है उसमें. I think also like just looking after your parents, yeah, in a way, like, you know, just giving them back what they've given you, that sense of pride and like calmness and like, you know, just kuch bhi fuck up chal raha ho zindagi mein, chal ye to main theek kar raha hu kind of thing, you know, ki matlab itna to main kar raha hu, you know, you have a base to stand on. I think that helps a lot. Ab jab ye thoda accomplish kar liya hai aur you feeling lighter, what are the things that you feel when you look back, ab mujhe शायद करनी है या शायद नाउ आई वांट टू, छोटी छोटी चीजें हो सकती हैं, बड़ी चीजें हो सकती हैं कि अपने बकेट लिस्ट से. यार पिछले साल मैंने पिछले साल आई थिंक मैंने पहली बार अपने बर्थडे पार्टी करी है. सो दैट वाज ग्रेट. डिड नॉट लाइक इट एक्चुअली, बट फक पार्टीज डू, सच अ फकिंग स्टूपिड कॉन्सेप्ट. You get a bunch of people, you don't even probably like all of them, you be like, "Happy birthday. Oh, I'm so happy on my birthday." Can we normalize just being averagely happy on your birthday? You don't have to be like, oh, I was born today, guys, appreciate me. You know, just be like, normal, it's my birthday. But I feel again, so like now I'm learning that this is what I like and don't like. I feel like I want to educate myself now. It's time. I did computer science engineering because, you know, you probably get the best package there. I want to pursue something for the first time in my life out of just love for learning. You know, I want to just learn in near future. So I need to figure out what that is for me. That's my plan. Honestly, I don't have a lot of money. So first of all, but except apart from the money, I think मैंने college time में बिल्कुल भी socialize नहीं करा अपने ही friends के साथ. I want to do that more because not मेरे को बाहर कहीं जाना है वो करना है, but I just want to, you know, experience that life जो इतना pressured नहीं है, इतना हर time काम के बारे में भी नहीं सोच रहा हूँ. I think I want to do that more. मैं एक्चुअली बताता हूँ, मुझे जो तेरी एक्चुअली काफ़ी आई फाउंड क्वाइट इंस्पायरिंग व्हेन आई सीन इन यू इज ए, तो ऑफकोर्स योर वल्नरेबिलिटी टू द वे योर एबिलिटी टू एक्सप्रेस, एंड सेकंड मुझे ना एक तेरी आई हैव सीन एक ना दिस एक ना फैशन सेंसिबिलिटी जो तुम्हारी आई थिंक मैंने देखी है ओवर द इयर्स. You know, like I feel like पहले बताते हैं तारीफ करनी है, मैं थोड़ा सा और अच्छा बन गया था. इट्स नॉट समथिंग यू एसोसिएटेड विद अ बॉयज ब्रांड पीच. नहीं है यार, दैट्स नॉट एन यू थिंक ऑफ की ओके देयर इज अ ब्रांड कॉल्ड पीच एंड इफ यू डोंट नो विष्णु इज एसोसिएटेड विद इट, यू विल नॉट थिंक ऑफ यू नो की ओके देयर कुड बी अ मेल क्रिएटर. ब्रांड कलर पिंक है. एग्जैक्टली माय पॉइंट. एग्जैक्टली. सो आई थिंक दैट्स समथिंग दैट आई हैव एक्चुअली रियली लाइक्ड अबाउट यू. फैशन का तो मैं सारे दीक्षा को दूंगा. मेरा उसमें कुछ नहीं है, मैंने सीखा है उससे. लाइक उसके कपड़े पहनता हूँ, उसकी जी पैंट सही है, ठीक है. तो इट्स नॉट समथिंग आई कैन इवन टेक क्रेडिट फॉर कि मतलब मैंने लाइक पीच के लिए ऑफकोर्स लाइक आई दैट उसके लिए बहुत थॉट गई उसकी ब्रांडिंग पे, वो मैंने कैसे करना है. But like in general, the kind of the way I dress, you know, oversized कपड़े कैसे पहनते हैं अच्छे से, ये सब चीजें मैंने उससे सीखी हैं. जूते उसने दिलाए हैं कि मतलब ये वैसे cool हैं आजकल, ठीक है. तो it's less me, more her. तो ये first of all again in a generation where जहाँ पर सभी मतलब अभी swipe right swipe left वाली generation जो हो चुकी है, जहाँ पर everyone's trying to find something through these apps. You've both of you have found, you know, companions and you've been with them. How are you so sure as boys and as men that yaar, this is who I am and this is what I am a one woman man and I want to have this one honest relationship that I'm happy to even talk about online. For me personally, I've known her since, you know, school se, bachpan se. You get that understanding and you know when you see your friends struggling with that, I think not aise ki yaar, oh shit, tere paas nahi hai, but you know, I genuinely understand what they're going through and I feel so blessed that I'm in this position that I have someone to, you know, just talk freely to, you know, and you know, who would understand me without judging me. If you are invested into someone and that person is invested in you, there is no point. The first thing you can do is they break their trust and, you know, cheat on them. I think that is very uncool. So it's because it's working for me, I don't feel like yaar ha mujhe kuch external dhoondna hai. After everything you go through, after all the fights you have, you still show up in a relationship, then it's not worth giving it up, no matter what. Like, then all these things about, you know,
choice of, you know, any other girl or a guy, then, you know, you have choices of, you know, you want to sleep with someone else or stuff like that. That goes out of the picture because you see a really bigger picture. You see something that's bigger than just a girlfriend, boyfriend thing. Obviously, we're not saying ki yaar agar toxic hai to usi mein rahe. Obviously, ye nahi ki bhai raat ko ladai aur subah pyar nahi, ye nahi. And for me, yaar, it's also like I've been in other relationships as well, and I've never felt the way I felt with her. And I can't tell what the future is with me and her, but I would like to think I did my best, and I was proud of it for the time it is. And whatever it is, I want to make sure, like, if I'm looking back, if I'm 60 and I'm hopefully with her, right? I want to look back and be like, yes, there was not a day I wasn't proud of this relationship, kind of thing. She's also very courageous. I draw a lot of inspiration from her because she also dealt with a lot, and that's one base level that we sort of operate on. And then we share that, and I see her showing up. I know what all she goes through in her life on a daily basis, and then she shows up for work, and then she kills it. And I'm like, dude, I mean, I'm just in awe of it. Really sweet. I have to ask you this because you mentioned therapy. What have you learned from therapy? You know how people say it's okay to not be okay? Yeah. The inverse of it, that it's also, you know, when you're not okay, that's also not okay. I mean, you deserve better. When you're feeling a certain way and you normalize that feeling, for example, I was talking about that anxiety that you feel on your chest constantly and you carry it every day. It's like, if you're wearing a backpack every day of your life, that backpack is normal, and you don't think that you can just remove that backpack. And that's very similar to anxiety. You can just take it off, right? And through therapy, I like learned that you can feel lighter, you can feel better. And why it's not okay to be not okay is because you can get better. If I tell you, you are exactly perfect right now, exactly. But what if you want to be more, right? And I feel like that I have unlearned that for myself, that I can be more in terms of the amount of happiness I can feel, amount of sadness I can feel, the amount of feelings I can express and feel myself. So that's one thing that I've learned. My little last question before we move into a very exciting fun round is, tum dono ke naam itne Vishnu Govind. Haan, Vishnu aur Govind itne bhari naam hai. Tumhe stress nahi padta, tumhe pressure nahi aata naam, living up to these names of. Bachpan mein aata tha yaar. Mujhe lagta tha jab main kuch bura kar raha hu na, I'm not living up to my name. I felt so bad every time I like did something. Main gaali nikalta tha, mujhe lagta tha bhai maine gaali de di. So, do you have pet names for each other? घर वालों ने तो दिए हैं क्या दे दैट माय फ्रेंड इज टू पर्सनल दैट इज नॉट समथिंग आई विल शेयर एवर नो नो चलो अच्छा यू एनीवे सेड अ लॉट सब कुछ बता दिया सब कुछ बता दिया जिंदगी खोल दी यहां पे इंटरनेट पे आ गए थे निकनेम बताओ दिस इज वेयर आई ड्रॉ द लाइन सो वी हैव दिस रियली फन सेक्शन कॉल्ड द होलसम शाउट आउट्स सेक्शन वेयर वी विल गिव शाउट आउट्स टू द मेन इन आवर लाइव्स बेस्ट लिसनर among men in your life? Govin. My friend, I would say... I am hurt. Govin. My friend, actually... Obviously, Vishnu. Nahi ja main bol le yaar tu friend. Nahi, bata kya? Uske saath, like, I have a different sort of... What's his name? Sagar. I can share it, but obviously... Destruction hone wali hai flight pe. Sorry, okay. Moving on. Warmest hugger you know. Oh, bhai, beer hugs. Person batana hai. Haan, toh person, man batana hai na. Haan. Toh person hum main yaar. Man bhi hum main. Achha, toh apni baat kar raha tha. Haan, jo WWE wale beer hug diye maine tumko, uski baat kar raha. Oh. Warmest hug yaar. Achha, warmest ki baat ho. Painful hug nahi. Painful. Jaldi bolna, itna time nahi aa sakte is wale mein. Yaar, men kahan hug karte hain? Oh. yaar, main Deepak. Deepak Ramola is one of my close friends. I really like him. He gives great hugs. Siddhartha. Sid Mathur. He gives great hugs. Yeah, he does. One of. His name is show mein ho gaya. Itni validation usko milne wali hai na. Although you give great hugs. We've hugged once and there was a good hug. Thank you. Mera bhi ek friend hai. His name is Abhik.
तेरे फ्रेंड ही है बस दो तीन है उनको ही घुमा घुमा के आंसर दे जा उसके नहीं तो भाई तूने भी फ्रेंड ही बताया चल ठीक है स्ट्रेंजर से थोड़ी हग लेगा भाई की बात कर मोस्ट सेंसिटिव मैन यू नो सेंसिटिव मैन यू नो पापा मैं विष्णु फेयर आई एम वेरी सेंसिटिव यस मैं बहुत जल्दी रो देता हूं सेक्सीएस्ट मैन यू नो आई सॉ ऋतिक रोशन वंस आई फील लाइक आई हैव नेवर आई थिंक मेलनेस हैज पीक्ड Yeah. There. Who is the sexiest mm-hmm. man you know? Well, I would say charming, like John Krasinski, like. So I think, huh, John Krasinski. But David Beckham, actually. I mean, in the sense that growing up, I have put so many wallpapers on his nangi photo. I will say this, I love him too much. Good. That's great. That's how it should be. Cool. Best Riz game. मतलब रिज मतलब यार है क्या अरे गोविंद आज जी यार इस टेबल पे नहीं बैठ सकता मैं रिज मतलब यार जो बहुत ऐसे कूल होते हैं रिज गेम इज करिश्मा बेस्ट रिज गेम आई वुड से एक्चुअली मैं बोल ही देता हूँ ना ऐसे शाहरुख सर से हाँ. दो बार मिला मैं और भाई मैं मजाक नहीं कर रहा द सेकंड लाइक मेरे से बात नहीं हुई ब्लश वाला आंसर भी शाहरुख सर थे ठीक है तो ना मतलब मैं ना बैठा हूँ उनके पास ना इतना पास बैठे हैं ठीक है मेरे पसीने आ रहे हैं और मैं मजाक नहीं कर रहा ही मेक्स यू फील लाइक यू आर द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स एंड लाइक द होल वर्ल्ड रिवॉल्व्स अराउंड यू एंड लाइक वी नो ईच अदर लाइक मेरे भाई मेरी सोच के भी ऐसे होता है मैं इफ आई थिंक अबाउट हिम लाइक एंड आई डोंट हैव अ पिक्चर विद हिम रियली गुड आंसर मैन यू फील सेफेस्ट अराउंड गोविंद Okay, a man who you have seen grow over the years. Govind. Oh, hands down. मैं हमारे सारे आंसर ऐसे एक दूसरे वाले बना रहे but yeah, hands down, enough. It's the Maybe biggest. Maybe same Vishnu, sorry. Most vulnerable man, you know? Papa. Man whose smile lights up the room. कॉम्प्लीमेंट जार हम लोगों ने इंटरनेट पे कॉम्प्लीमेंट्स निकाले हैं जो आपको मिले हैं आपकी रील्स वगैरह पे बेस्ट पार्ट ऑफ द शो मतलब किसी ने तो बहुत मेहनत करी है इस पे सबने मेहनत जिसने भी करी अप्रिशिएट इट आई वाज लिटरली वेटिंग फॉर गोविंद नट्स थ्रू आउट द एड इट वाज वर्थ इट कौन सी एड कोई शूट किया होगा ना हमने ओह क्यूट ब्रो आई हैव बीन फीलिंग द सेम फॉर द पास्ट फ्यू डेज आई नीडेड टू हियर दिस फ्रॉम यू थैंक यू विष्णु भैया एंड आई लव यू एंड अ पीच इमोजी एंड अ हार्ट विष्णु भैया So sweet. मेरे को ना बहुत लोग भैया बुलाते हैं and I love it. It's my favorite thing when someone calls me भैया मेरे को ना ऐसे दिल वो हो जाता है मेरा. So sweet यार. Oh भाई यार ये I think this has won it for me. By this I can assume Govinuts has better football preference and knowledge. प्यारे प्यारे न्यारे न्यारे दुलारे हमारे. Aaron. Aaron only Aaron could. Aaron. Thank you. Next time Aaron को बुलाना उसके बातें करें बहुत मजा आएगा आपको. विष्णु भाई ड्रॉपिंग डोपेस्ट मर्च अब तो कॉलेज क्रश इम्प्रेस हो ही जाएगी मर्च पीच बाय vishnu.com हियर्स इट यू कैन हम दोनों के लिए एक है गेटिंग समवन हु इज सीरियस अबाउट यू एंड फॉरएवर एंड इज मेकिंग एफर्ट टू मेक मेमोरीज एंड हैव फन इज रेयर यू बोथ आर रेयर बट अगेन विद दिस हैविंग फन इज रेयर वाला थिंग आई थिंक बहुत क्लोज है ये मेरे लिए बिकॉज जो हमारा काम है लाइक इफ यू नॉट हैविंग फन तो लाइक इट्स पॉइंटलेस एंड दिस इज व्हाई We do what we do, and you know it's good to someone have acknowledged it. Thank you, bro. Yar, sahi mein, yar, main. This is why I reject the notion why you know when people generalize men, they are super sweet men. The loudest voice might be the wrong ones, but like the majority is just like wholesome and beautiful, and like they just want to do their thing, support each other, and be nice. Congratulations, Govind. Both of you are amazing and being a smile to many people through your comedy. More power to you. Keep making people laugh. Aww. Thank you. Genomics. Really cool DP. Acoustic. कैसे मतलब कैसे कर लेते हो बस वही अपना ऐदा ही है यार अपन कहते मान जा नहीं कीता है ना फिर थैंक यू फॉर ऑल योर स्वीट कमेंट्स ये सारे मैं वैसे आराम से घर लेके जाते हैं जार के साथ एक्चुअली सॉरी हमने नया घर में शिफ्ट हुआ है तो हमारे पास अभी डब्बों की कमी भी है
No, I think this has been a really, really nice conversation. I genuinely feel I learned more from young people than I feel learned from older people. And you are now two of the people that I've learned from today. Thank you so much. I've learned a lot from myself as well. On a very serious note, thank you for saying all these kind things. You don't have any idea how much they mean to me and how I see myself. And, you know, to have this acknowledgement from someone like you who's, you know, been through shit, done shit, you know, built something so cool. It really means a lot. And I'm super grateful that you, you know, thought of us for this. Yeah. Agar aaj ki conversation aapko pasand aayi aur aapko ye sone munde pasand hai, please like, share and subscribe to VR Yuvaa. Aur na VR Yuvaa ko sare ke sare, jitne application hai tumhare phone mein, sab pe follow kar lo, abhi ke abhi. Yeah, I could just talk to him, hear what he has to say. I think that is the biggest support I gave him. Us time pe, like, yeah, I think he's underselling himself also. But I know he's not that good with being able to tell exactly in words how he feels and aisa. But he would listen to you like and make you feel like you're the center of the world and all your problems are valid. And that's, I can't do that. I need to respond. You know, and this is what I'm learning abhi. But like, he can do that. This comes naturally to him. You know, he can. Bas yaar, bas. Bas bira tu. Un mein na sidhe wo gal na kari. Chalo baat hai, theek hai. Udhar ho ja. I was directing a film. It was called Fuck by Chance. So I took Amol in it. The fucking was between two boys. The implied fucking. We're not making gay porn. Main thoda late start kiya life mein. Really? Yeah. Even self love. Yeah, yeah. Ye sab to nahi jayega na. No, I fell in love with him, yaar. And he also fell in love with me. He doesn't agree. Isne haath se khana khilaya mujhe. Main sach keh raha hu, tune khilaya mujhe. Main maan raha hu. Ye maanta hi nahi hai. Nahi kar raha, mujhe yaad nahi hai. Mujhe to Gandhi ji lagte hain. Mard. Because you're a man, sometimes you're expected to be part of it, which is borders on objectification of women around you. Yeah. But then I realize that somebody needs to counter that logic. So I liked someone in school. Bahut arse tak main usi ko pasand karta tha. Jab tak uski shaadi nahi ho gayi.